गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं कानाताल एक्सप्लोर करने, देखते हैं वहाँ पे ये कॉडिया फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं, कुछ एडवेंचर है वो भी एक्सप्लोर करते हैं। वैसे नाइट को यहीं स्टे किया था धनौल्टी में, खूबसूरत वादियों में। आप भी इंजॉय कीजिए। वैसे आज सुबह का धूप अच्छी खिली है, मौसम अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है। स्कूटी इस सुहाने मौसम में स्कूटी राइड करने का अलग ही मजा है। आप हिमालय का व्यू दे सकते हैं, एकदम क्या शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। कानाताल से थोड़ा और अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कानाताल में थोड़ा स्नोफॉल देखने को मिला है, ये शायद 2-3 दिन पहले गिर गई थी। ये सामने आप देख सकते हैं पूरी स्नोफॉल है, क्योंकि यहाँ जो सूरज की किरणें वो डायरेक्ट नहीं आती इनके ऊपर, तो इसलिए पिघली नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट हल्की हल्की है। पर थोड़ा हम भी इंजॉय लेंगे आगे जाके, देखते हैं आगे। और कितनी बार हमें स्नोफॉल देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलो इंजॉय करते हैं। थोड़ी मिली वही थी। देखते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ से तो थोड़ा नज़ारा अच्छा ही लग रहा था स्नोफॉल का। पर यार, जितनी उम्मीद करके आए थे उतनी नहीं मिली यार। एक दीदी बता रही थी इधर की पिछली बार बहुत ज़्यादा गिरी थी, लेकिन इस बार उसे बहुत कम गिरी है। फिर भी ठीक है, चलो देखो। फिर भी अभी आखिर में ये सुनो के थोड़े बहुत दर्शन हो ही गए यार। क्या देखिए, अच्छी है फिर भी। देखो भैया भी सुनो का मजे ले रहे हैं। चलो रुकते हैं यहाँ थोड़ा। राज ले रहे हैं मुझे, पर क्या करें, इनको तो मिली नहीं। इनको बहुत शौक चढ़ा था स्नो देख के आएंगे, कुछ नहीं मिला। मैंने तो पहले बोला था कि इधर इस बार नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी ये आए कि नहीं मिलेगी, चलेंगे देख के आएंगे। पर क्या वाह, और ये देखो भैया, ये पहाड़ी लोग हैं, ये भी स्नो को इंजॉय कर रहे हैं और पहाड़ी गाने सुन रहे हैं। भैया बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये भी पहाड़ की है, पहाड़ी लोग हैं, फिर भी इधर इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ी गाने सुने, स्पीकर लगा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है भैया को। Oh my God! हेलमेट लेके आओ, मजा आ गया भाई। स्कूटी पर जाना खाएंगे शोज। और यहाँ से आप बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं हिमालय का। और ये क्या शानदार नज़ारा है हिमालय का, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से। वाव, सो ब्यूटीफुल, ऐसे लग रहा है जैसे चांदी की खाड़ हो। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खेतों के, लोग इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का, लेकिन स्नोफॉल इतनी है नहीं, लेकिन क्या करें, ले रहे हैं। अब यहाँ आए हैं तो कुछ तो मज़ा लिया जाए। आप भी कानाताल में आ सकते हैं, सेब ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ कीवी के बगीचे भी है। कीवी आपको
अभी नवंबर दिसंबर मिल जाएगा, सेब भी सितंबर में मिल जाएगा। और उधर से थोड़ा सस्ता पड़ता है। कानाताल में कोडिया फॉरेस्ट को, कोडिया फॉरेस्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये फॉरेस्ट थेरेपी आल्सो नोन एज सिरिन योकू इज द जापानीज प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन एकदम शांत वातावरण। थोड़ा रास्ता दिखा ना, बराबर बारिश की वजह से देखते हैं अभी तो आया नहीं है, लेकिन चलते हैं ऐसे ही। काफ़ी लोग इसको पैदल ट्रैक कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें ये नहीं बोलना कि यार आप पैदल नहीं गए। पैदल जाने का थोड़ा मन नहीं था क्योंकि हमारे पास सामान था, मगर वो कहाँ रखेंगे, फिर प्रॉब्लम आ रही थी। हम अपनी स्कूटी से ही एक्सप्लोर करेंगे। छोड़ा 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 ये आगे जाता है नीचे की साइड में। ये अंकल आंटी इधर काम कर रहे हैं। ये सीधा जाता है या नीचे? इनके घर है जो ऊपर, हम पता नहीं कहाँ आ गए। ये देखो इनके बगीचे हैं लेकिन अभी तक सूख चुके हैं ये पूरे। देखो यार पता नहीं कहाँ लेके आ गया। आज हम जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। कोडिया फॉरेस्ट में देखो आज पूरा लेते हैं, आज पूरे जंगल की बात। आज हम कर रहे हैं सिरिन योकू। लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं दिखे तो नहीं है, थे ना पहले। यार कहाँ लेके आ गई यार, देखो ये जंगलों में जब स्कूटी राइड कर रहे हैं जंगल में, अलग ही एक्सपीरियंस। आप भी कीजिए कभी आए तो। आगे कहां तक जाना होगा? ओहो आराम से चलना। यहां पे थोड़ा स्नो है, यहां पे दोनों ब्रेक काम में लेंगे। अभी फिसल जाए ली वह जो हो जो भी हो, लेकिन उनको तो ट्रैकिंग करनी है, मजा लेना है। मेरे को डर लग रहा है ना कहीं ये गिरा दे हैं जी, लेकिन अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है गिरेगी नहीं। मेरे को लगता है इधर कोई बाइक वगैरह कुछ आती नहीं, तुम ही लेके आ गए इधर, तो हम कुछ अलग ही करते हैं आज। ओ माय गॉड, मेरे को लगता है वापस चलना चाहिए हमें इधर से। जंगल ही जंगल और कुछ नहीं, कटे बाहर ले यार, मुझे डर लग रहा यार। मज़ा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मुझे। मेरे को लगता है इधर कुछ नहीं, बस ऐसे ही है।